से रिव्यू चलेगा टेंसेज। तो टेंस क्या हैं? हिंदी में टेंस को हम कहते हैं काल, और काल जैसे हिंदी में तीन होते हैं वैसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में भी तीन टेंस होते हैं, तीन काल होते हैं। सो देयर आर थ्री टेंसेज इन ऑल द लैंग्वेजेस। एंड व्हाई देयर आर थ्री टेंसेज? बिकॉज देयर आर वर्ब्स इन थ्री टेंसेज। देयर वर्ब्स कम इन थ्री टेंसेज, पास, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो चूंकि हमारे वर्ब्स थ्री टेंसेज में हैं, इसीलिए हमारे जो टेंस हैं वो भी हमारे थ्री ही होंगे। सो बेसिकली देयर आर थ्री टेंसेज एंड दे आर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पास्ट जो बीत गया, व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड। प्रेजेंट जो चल रहा है, व्हाट इज नाउ। एंड फ्यूचर, दैट इज नॉट नाउ बट दैट यू विल फाइंड इन फ्यूचर इन द कमिंग डेज। और सिंपल शब्दों में, यस्टरडे है वो आपका पास्ट टेंस है, टुडे इज द प्रेजेंट एंड टुमारो इज फ्यूचर। Now, the past is used to describe things that have already happened. Past उन चीज़ों को दिखाता है जो पहले ही पूरी हो चुकी हैं। For example, earlier in the day, दिन में पहले, yesterday, last week, 3 years ago. यानी कि जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं, अब हम उनमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं past tense. The present tense is used to describe things that are happening right now. जो चीज़ें आज हो रही हैं, आज घट रही हैं, एट प्रेजेंट चल रही हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। और थिंग्स दैट हैपन एवरी डे, या फिर वो चीज़ें जो रोज़ घटती हैं, हम उन सभी को कहते हैं, क्या कहते हैं हम उन सभी को कहते हैं प्रेजेंट टेंस में। मीन्स जो हमारी डेली हैबिट्स हैं, जो हमारी रोज़ की होने वाली चीज़ें हैं, उनको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस में। नाउ फ्यूचर डिस्क्राइब्स थिंग्स दैट येट टू हैपन, जो चीज़ें अभी तक नहीं हुई हैं, यानी जो कल होंगी या परसों होंगी या इस समय पर करंट टाइम के बाद होंगी, उनको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस में। सो द फ्यूचर टेंस शोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, लेटर, टुमारो, नेक्स्ट वीक। तो इन सब चीज़ों को इंडिकेटर्स होते हैं। तो हमारे पास थ्री इंडिकेटर हुए, पास्ट के लिए अर्लियर इन द डे, यस्टरडे, लास्ट वीक, 3 years ago, प्रेजेंट के लिए राइट नाउ, टुडे, जस्ट नाउ, एवरी डे, और फ्यूचर के लिए टुमारो, लेटर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, 3 years फ्रॉम नाउ, मीन्स जो आज के बाद होगा। नाउ दीज टेंसेज, हमारे पास कितने टेंसेज हैं? देयर आर बेसिकली थ्री टेंसेज, देयर आर बेसिकली थ्री टेंसेज दैट आर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब इन तीनों टेंसेज को हमने फंक्शंस के बेस पर कुछ पार्ट्स में बांटा है। बेसिकली देयर आर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब हर एक टेंस को, एवरी टेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। देर आर सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। द सेम इज विद पास्ट टेंस ऑल्सो, यू कैन सी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। अगेन सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि इन चारों, इन जो थ्री टेंसेज हैं, इन थ्री टेंसेज के फोर पार्ट्स हो जाते हैं। और इन फोर पार्ट्स को अगर हम काउंट कर लें तो देयर विल बी टू से देयर आर बेसिकली थ्री टेंसेज एंड ईच टेंस हैज़ फोर पार्ट्स। प्रेजेंट टेंस हैज़ सिंपल प्रेजेंट, आई प्ले फुटबॉल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट जो डेली हैबिट दिखाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमें कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन दिखाता है, प्रेजेंट परफेक्ट शोज दैट द वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड और द एक्शन इज ऑलरेडी कम्प्लीट, परफेक्ट कंटिन्यूअस दैट शोज द एक्शन स्टार्टेड सम टाइम बिफोर एंड इज कंटिन्यू एंड विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। सिंपल पास्ट, आई प्लेड फुटबॉल, अभी अभी जल्दी में कोई काम पूरा हो चुका है, हुआ है। पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी ऑफ वर्क इन पास्ट, पास्ट परफेक्ट, कंप्लीशन ऑफ वर्क इन पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट, द वर्क स्टार्टेड
एंड कंटिन्यूड इन पास्ट, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस सिंपल फ्यूचर दैट शोज द हैबिट और डिसीजन, स्पेशली इट शोज डिसीजन. जैसे मैंने कहा आई विल गो देयर, तो मैं वहाँ जाऊँगा, ये मेरा डिसीजन हो गया. फ्यूचर कंटिन्यूअस दैट शोज द वर्क विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, आई विल बी गो प्लेइंग और आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल. फ्यूचर परफेक्ट शोज द वर्क विल बी कम्प्लीटेड इन फ्यूचर एट सम टाइम. जैसे आई वुड हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका होगा. यू विल हैव गॉन देयर, दे विल हैव पास द एग्जाम एंड दिस पे. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये हमको शो करता है कि काम जो एक्शन है दैट विल स्टार्ट इन फ्यूचर एंड कंटिन्यू इन फ्यूचर. नाउ सिंपल प्रेजेंट, हम अब ये सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या कोई भी टेंस है वो हमें क्या इंडिकेट करता है या क्या शो करता है. देखिए, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस. यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें क्या देगा, हैबिट्स देगा, रिपीटेड एक्शंस देगा. जैसे आई यूजली गेट अप एट 6 o'clock, वी प्ले टेनिस एवरी डे. फॉर जनरल ट्रूथ्स थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, ध्यान दीजिए यहाँ पर बात ध्यान दें कि ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा सच रहते हैं, यानी उनको कभी भी बदलना नहीं है. जैसे कि वाटर बॉयल्स एट 100 degrees Celsius, तो पानी हमेशा नॉर्मल कंडीशंस में 100 degrees Celsius पर ही बॉयल होगा. फिश वाटर में ही रहेगी. फॉर थिंग्स दैट स्टे द सेम फॉर लॉन्ग टाइम, उन चीज़ों के लिए जो हमेशा एक जैसी रहेंगी, कभी भी चेंज नहीं होंगी. वो चीज़ें जो कभी भी चेंज नहीं होंगी, जैसे माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन नागपुर, ये लंबे समय तक ठीक रहेंगी क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स आमतौर पे जहाँ वहीं रहते हैं, वो बेचारे चेंज नहीं करते हैं क्योंकि उनको कहीं भी काम के लिए या जॉब के लिए नहीं जाना होता है. आनंद बैट्स वेल, आनंद अच्छा खेलता है. अभी एक हैबिट है जो तब तक चलेगी जब तक आनंद की बॉडी में दम है या ताकत है. ओके, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं. अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, विलो आर 6 general truths, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब्स. यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं. उसमें हम वर्ब की पास्ट फॉर्म का या पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं. दन द सन इन द बेस्ट, तो बेस्ट में सन क्या करेगा, ऑब्वियसली द सन सेट्स इन द बेस्ट. बर्ड्स नेस्ट, चिड़िया घोंसलों में बर्ड्स लिव इन नेस्ट, और बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, चिड़िया घोंसले बनाती भी हैं और वहाँ रहती भी हैं. रेन फ्रॉम द क्लाउड्स, बारिश बादलों में जाती है आती है, दैट कम्स, बादलों से रेन आती है तो रेन कम्स फ्रॉम क्लाउड्स. काउज ग्रास, अब गाय घास को क्या करेंगी, ग्रो करेंगी या ग्रेस करेंगी, ऑब्वियसली काउज ग्रो, नो काउज ग्रेस ग्रास. फ्रॉग्स बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, फ्रॉग एक ऐसा जानवर है जो पानी पे और जमीन पे दोनों जगह रहता है, तो फ्रॉग्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. द अर्थ राउंड द सन, जमीन सूरज के चारों तरफ क्या करेगी, रिवॉल्व करती है. द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन. तो आज का वर्क आपके लिए यहाँ फिनिश होता है. आपको करना ये है कि इस चैप्टर को, इस वीडियो को बार बार रिव्यू करके देखना है और सीखना है, और तब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टर्म्स के बारे में. थैंक यू.